लग तो नहीं रहा, जले हुए लग रहे। नहीं 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 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती है ना, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं इक्वल करूंगा। नहीं ये देखो पीछे से कितने शोर, अभी मैं व्लॉग बनाना शुरू किया तो ये शोर करने शुरू हो गए पीछे से। ये कितने वाली बिजनेस चल रहे हैं आपके? Assalamualaikum my YouTube family, welcome and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है ना वो है नौ मुहर्रम, तो नौ मुहर्रम वाले दिन जो है ना वो रोज़ा रखते हैं, तो हमारे घर में रोज़ा रखा हुआ है सबने। और सहरी का टाइम जो है ना, मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई उस वक्त जो है, क्योंकि सहरी का टाइम जो होता है ना वो ऑब्वियसली रमज़ान के बाद, अब कल जो है वो रात को था, तो बस टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हो गई थी सहरी ना फटाफट से, और बस मैंने कहा चलो उस पर सब सुबह जो है ना, सुबह उठ के बनाएंगे, तो सुबह जो है थोड़ी सी लेट हुई हमारी, तो अब जो है ना वो अफ्तारी का इंतजाम हो रहा है घर में, मैं आपको दिखाती हूँ। सो हियर इज माय मामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तब ठीक है आपकी? तो मामा जो है ना वो यहाँ पे, ओए होए आप ये देखें, पहले काटते हुए चेक करें, ये देखो इतने पतले पतले निकाला जरा, हाय हाय मम्मा इतने पतले पतले काटती है ना मम्मा आलू। यार मुझे मोटे नहीं पसंद, हम मोटे मजा भी नहीं आता, आप पतले पतले काटती है ना अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची हल्के से क्रंची करने चाहिए, मजा आता है यही खाने। ये देखो पीछे से कितने शोर, अभी मैं व्लॉग बनाना शुरू किया तो ये शोर करने शुरू हो गए पीछे से बर्ड्स। यहाँ पे जो है ना मामा पकौड़ों के लिए आलू जो है वो काट रही है, फिर उसके बाद मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी, ठीक है? आप जल्दी जल्दी से काट लें, फिर हम फ्रूट चाट का इंतजाम करते हैं। और ये देखो ये शोर कर रहे थे अभी, बाबा इनके लिए पालक डाली है, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग हैं? हैं ये भी और ये भी, तो खामोश हो गए हो जैसे मैं आई हूँ, हैं मामा जैसे मैं गई हूँ तो खामोश हो गए। हाँ, तो देखे कोई बोल रहे हैं ना तब हम बात कर, इनको तो बात करो, बात करो तो खामोश हो जाते हैं। इनसे ना हमारे घर में रौनक है, बहुत रौनक है, अल्लाह का शुक्र है। जब आप दोनों भी गए हुए होते हो ना तो मैं इन्हीं की वजह से, मुझे ऐसा लगता है घर में है और भी ना, तो मैं भी अक्सर इनसे बातें भी कर रही होती हूँ। हाँ सच्ची में, मैं भी बातें करी तो बड़ा मजा आता है करने का। तो फ्रेंड्स, अली और बाबा जो है ना अभी फ्रूट्स वगैरह लेने गए हुए थे, आ गए। गर्मी कैसी है बाहर? बहुत बुरी है। ले आए फ्रूट्स, कहाँ रखे हैं? अच्छा आ रहे थे लेते हुए, इतने लोग लगे हुए होते हैं, भैया जानो जी मिले, ये मिले, मैं बोला भैया 12 रोज़ है मतलब, तो मैं बड़ा आड़ू लेने लगे तो एकदम हमें याद आया, वो मैंने कहा पापा चेक करके लेंगे, पता लगा रोजा है हमारा, मैंने कहा पापा रात में जाके ले आएंगे। चलो अच्छा, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अब गर्मी से होकर आराम करो, ठीक है ना? बहुत बुरी हालत है क्या? अभी तो इतना, अभी तो घंटे से भी ज्यादा टाइम पड़ा है। सो फ्रेंड, ये लोग फ्रूट वगैरह तो ले आए हैं, हमारे पास है सेब आम और केले, तो बस मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ जल्दी जल्दी से। टाइम देखें, अभी हो रहे हैं काफी, अभी है टाइम है ना तकरीबन 7:00 पर होगी अजान, तो अभी है वापस, हम जब तक बनाते हैं अपनी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट जो है ना वो हमारी बन गई है, मम्मा ने इसमें बस चीनी वगैरह डाली है बाकी सब, और इधर दही फेटा जा रहा है, ये इधर दही बल्लों के भल्ले रेडी हैं। हम लोग जो है ना वो घर में ही बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये सारी चीज़ें। और इधर हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं, सो टेम्पटिंग। फ्राइंग वगैरह करके आई हूँ पकौड़े, और पसीने बुरी हालत हो गई है मम्मा, गर्मी चेक कर रही हैं आप? कितनी गर्मी हो रही है यार मेरी तो। सिर्फ फ्राई फ्राई करने में बुरी हालत हो गई है यार, और अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन 16 मिनट रह गए और हमारा काम हो चुका है। आज हम जल्दी फ्री हो गए यार, जल्दी है ना। और ये देखो ये अली साहब नहा धो के आ गया, सही है, फ्रेश फील कर रहे हो गए अब है ना? चला हुआ फील कर रहा हूं। क्यों खोलता हुआ पानी आ रहा था, अली तुम देखो तुम अच्छी यार, सही तो लग, लग तो नहीं रहा, जले हुए लग रहे। नहीं 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 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती है ना, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं इक्वल करूंगा। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं रोजा खुलने वाला, रोजे वाली हालत में ऐसे करोगे शर्म नहीं आती तुम्हें? 10-15 मिनट रह गया रोजा खुलने में, उसके बाद कर दूंगा। नहीं नहीं अच्छा फिर ठीक है, जो आज मैं तुम्हारे लिए बनाने लगी हूँ तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी पाली थी मामा, देखा किस तरह पलटा है, पलटा देखो किस तरह। कुछ कहा मामा? मैंने कुछ कहा नहीं, कहा आने के बना के रखो बहन से। शर्म नहीं आती तुम्हें वैसे? हैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अफ्तारी जाना हमारी लग चुकी है, फ्रूट चाट दही बल्ले एंड पकौड़े। तो अली साहब जल्दी से आ जाए, रोजा खुल गया। आगे बोलूँ मैं? फटाफट से रोजा खोलो, शाबाश। मामा स्ट्रीक्स, मामा के स्ट्रीक्स पहले जाएंगे फिर कुछ जाएगा। अच्छा फ्रेंड आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग दही भले फ्रूट चाट मिक्स करके खाते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत शौक से खाया जाता है, स्पेशली मैं मामा और बाबा। अली नहीं खाता, अली को सेपरेट सेपरेट पसंद है, बट मुझे जो है ना फ्रूट चाट और दही बल्ले मिक्स करके खाना पसंद है। और इस दफा अली साल की फाइनली हमने आम वाली अफ्तारी कर ली तो इतना मजा आता है ना आम हो जिस फ्रूट चाट और दही बल्ले में, मजा आ गया। क्या जिस स्वीट डिश में भी आम हो मजा? हाँ ये तो बात है, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो चुकी है और बहुत ही मजे की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया और बहुत अच्छा रहा रोजा। गर्मी थी बाहर बहुत ज़्यादा, लेकिन घर में फिर भी सुकून था। माँ बाबा जो है वो बाहर किसी काम से गए हुए हैं, तो मैंने सोचा बाबा की अब छुट्टी है तो बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो वो क्या है वो मैं आपको भी जाके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड बेसिकली मैंने सोचा है बाबा के लिए बनाऊँगी ब्रोस्ट, तो मैंने ये चिकन जो है ना वो मैरिनेट करके रख लिया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जाना मैंने ये 3 पीसेस की कोटिंग कर ली है, और ये एक इसकी मैं आपके सामने करती हूँ। ये मैदे में कोटिंग कर ली है, मैदा जो होता है ना मैदा, मैदे में कोटिंग कर। जल्दी से कोटिंग करके फिर आपको मिलती हूँ। और आप ये देखें ये कोटिंग हो चुकी है चिकन पैटीज की, अब इनको मैं फ्राई करूँगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इनकी दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्गर खा लिया, और अब बारी आती है इन लोगों से मैं पूछूं तो सही कैसा लगा इन लोगों को बर्गर, क्योंकि मैंने ये अभी काफी टाइम बाद बनाया है ना बर्गर, ये वाला जिंगर बर्गर। मैं पूछते हैं इनसे कैसा लगा। अच्छा सच्ची में अच्छा लगा, कमाल है ना, आपका हाथ सेट हो गया है ना। मैं शुक्र अल्लाह का, मुझे मतलब अच्छा बन जाता है। अब हमें KFC मतलब ऑब्वियसली बॉयकॉट वगैरह कर रहे हैं हम लोग, तो हमें वो तो जरूरत ही नहीं है, तो अब घर में बन जाता है। अच्छा हमारे वैसे हमारे मुल्क में हमारे शहर में हर तरह का ब्रांड, अब लोकल भी तो है, लोकल भी अच्छा है, थोड़ी कि हमने वही खाना नहीं। अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बॉयकॉट जा रहा है, अब क्रेविंग भी नहीं होती उसकी यार, है ना, अल्लाह का शुक्र है। देखा ना उसका जो है वो मिल गया आपको, आप वो ना खाएं, आप रेंचर्स खा लें, रेंचर्स कितने मजे का है, कबाबची खा लें, और भी बहुत सी चीजें है पिज्जे के लिए, आप कुछ भी खा सकते हैं ना, आप पिज्जा हट खाएं, आप चीजें खा लें बिल्कुल। और ये देखो जरा इसको, ये कितने अली बिजनेस चल रहे हैं आपके जरा बताइएगा कितने बिजनेस चल रहे हैं आपके, इतना मसरूफ है मम्मा इधर बातें कर रही हैं। और वो देखो ये अभी का मसरूफ नहीं है ना, ये सुबह का मसरूफ है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने हजार बिजनेसेस हैं। नहीं असल में मैं बताती हूँ, असल में वो मैं बताती हूँ तो ब्लॉग में सबको नहीं पता, अली जो अली है ना वो कर रहा है एक कोर्स, तो कोर्स कर रहा है तो उसके कोर्स किस चीज का है जरा तुम लोगों को खुद बता दो। पाइथन लैंग्वेज है ना, IT का कर रहा है कोर्स असल में ना, तो उसकी ही प्रैक्टिस वगैरह में लगा होता है। अच्छी बात है, हमें तो टाइम नहीं देता ना, हमें नहीं टाइम देता, ये तो बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अली साहब आपने बताया नहीं कि आपको कैसा लगा बर्गर, ये देखो पहले इसने मम्मा कितना फीका रिएक्शन दिया, पहले देखा आपने मम्मा इधर देखिए
इसका ही दिया, वो मसरूफ है असल में काम में, बहुत ही ज्यादा मसरूफ है पिछले साल, उसके नजदीक बहुत अच्छा। अच्छा वो नहीं अच्छा था? नहीं वैसे मुझे तो वो भी बहुत पसंद आया था, हाँ। लेकिन हाँ ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये देख रही है अम्मा, देख रही है अम्मा, इसको देखें गौर से, देखें साथनी को गौर से देखें। तो फ्रेंड्स अब जो है ना काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई है, तो बाबा जो है ना वो सो चुके हैं, बाबा के पीछे से ट्रेंड नज़र आ रही और मैं जो अपना काम करने एडिटिंग वगैरह करने लगी हूँ, एंड हेयर आर हेयर आर माई ब्रदर एंड माई मदर। हाँ टाइम देखो क्या हो रहा है, सैरी का टाइम होने वाला है, साठ लेने जा रही हैं यार। मम्मा भी कितना मुश्किल हो गया यार, अब हम घर में बंदा रोटी भी नहीं बना सकता, गैस चली जाती है। सिलेंडर भी खराब हो गया ना, तो भी मसला नहीं था, सिलेंडर में कर लेते हैं। वही तो बात है, अब बंदा क्या सिलेंडर ही, हाँ बिल्कुल। मामा की ऑब्वियसली शुगर का भी मसला है, सही बात है, कितनी सही बात कर रहा है मम्मा, उनके लिए ना कुछ भी बना के पहले से रखना पड़ता होगा उनके घर वालों को। मम्मा लेकिन जो बंदा बाहर से आता है उसको तो गरम गरम रोटी मिले, कैसे इन लोगों ने मुश्किल कर दी है हमारे लिए। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि गर्मियों में नहीं है गैस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 बजे के बाद जो है गई हो, गर्मियों में तो आती थी, चलो आप लोग जा रहे हो ना तो जरा देख कर तो बाहर मंजर क्या चल रहा है। अब मेरा मोबाइल आपके हैंड ओवर तो यार अभी हम लोग आए नाश्ता लेने के लिए, सैरी की चीजें लेने के लिए, पराठे वगैरह। मम्मा यहाँ पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे हमने काया लगवाने को लग रहा है वहाँ पे पराठा, ये लोग इतना ज़ालिम पराठे लगाते हैं, वो सुकून मिल गया बंदे को, बहुत ही कमाल का, वो लग रहा है अपने पराठे लगता है ऑर्डर, तो फिर उसके बाद चलते हैं घर, गर्मी बहुत है, बहुत तो गंदी गर्मी है, चले घर जाके बात करते हैं, यहाँ पे बात नहीं हो रही है तुमसे। नाश्ता जो है ना ये लोग ले आए हैं, क्या क्या लाया नाश्ते में? पराठा अंडे, पराठा अंडे लाए हैं, चलो शुक्र है। टाइम अभी है और अफ्तारी के बजे नहीं, बल्ले भी एक और प्लेट लेकर ओके मैं लेकर आती हूँ। सहरी जो है ना वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, चाय भी मामा को बाहर से ही लानी पड़ी क्योंकि बिल्कुल भी गैस नहीं थी, लेकिन वैसे मैं इनकी चाय मजे की होती है, याद है मैंने ट्राई की थी। पी लो आप भी, पी लो साथ में, एक नहीं नहीं बस आप पिए, पी लो, मैं तो इसलिए नहीं लाई, मैंने कहा मैं लेकर जाऊँ आपको, मैंने पीनी नहीं है तो फिर जाया जाएगी। नहीं 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 आप लोग हो रही है, पापा भी उठ गए, अभी टाइम है कितना टाइम ऑलमोस्ट आधा घंटा है अभी, चलो फटाफट से नाश्ता सहरी करे। आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड लेते हैं, होपफुली आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अब आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फिर मानेगा।